नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर पॉप फाउंडेशन के फाउंडर श्री राकेश जैन साहब। राकेश जैन साहब पेशे से आईटी इंजीनियर हैं और एक आईटी कंपनी रन भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ों के संरक्षण के लिए जो पहल उन्होंने की है वो इंदौर में एक मिसाल बनती जा रही है। और पेड़ों की चिंता करते हुए पेड़ों के संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए काफ़ी उल्लेखनीय कार्य इस संस्था द्वारा और राकेश जैन साहब द्वारा किए गए हैं। हम जानकारी प्राप्त करेंगे राकेश जैन साहब से कि कैसे इस योजना की शुरुआत हुई और कैसे इसे अंजाम दिया गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारी फाउंडेशन है सिटीजन कॉप फाउंडेशन, उसके थ्रू एक ग्रीन जीन नाम का इनिशिएटिव जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो ग्रीन जीन है बेसिकली वो पेड़ों को पहचान देते हुए, पेड़ों को नाम देते हुए, उनका व्यक्ति से लगाव जोड़ते हुए पेड़ों के संरक्षण की दिशा में एक प्रयास है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि पेड़ों को एक नाम दें, पेड़ों को व्यक्ति से जोड़ें ताकि लोगों का व्यक्ति का पेड़ों से जुड़ाव बने, वो पेड़ों के प्रति उनकी कृतज्ञता बने। और इसके साथ हम वृक्षारोपण करते हुए वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन की कोशिश करते हैं। ये कैसे इसको कार्य रूप देते हैं आप? इसके पीछे मूल भावना यह थी कि जिस समय हम लोग देखते हैं कि जुलाई अगस्त के टाइम पर वृक्षारोपण तो होते हैं बट उसके बाद जनरली लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और उसके बाद उसकी देखरेख कम हो पाती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना पेड़ों को एक पहचान दी जाए और हर व्यक्ति एक व्यक्ति को पेड़ से जोड़ा जाए और उस पेड़ की देखरेख का काम हमारी संस्था, हमारी एनजीओ करे ताकि हम ये सुनिश्चित करें कि उस पेड़ का हेल्थ जो है वो प्रॉपर है। हमारी टीम उसके ऊपर, उस पेड़ के ऊपर एक QR कोड लगाती है और हर महीने जाकर के उस पेड़ की प्रगति को देखते हैं, वो पेड़ सूख तो नहीं रहा है, वो पेड़ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और उसका फ़ोटो खींच करके हम लोग उसकी मेमोरीज़ को फ्रीज भी करते हैं। तो इस तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और पेड़ों का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। इसके लिए कितनी बड़ी टीम आपकी काम करती है? फिलहाल तो अभी 45-50 लोगों की एक टीम है जो पेड़ हम लोगों ने लगाए हुए हैं उनकी देखरेख की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो आपने जो पहल की है, तो जैसे आप किसी व्यक्ति को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं या कैसे इसको कार्य रूप देते हैं आप? एक बहुत ही आसान सा इसका हमने सोल्यूशन निकाला था कि शादियों के आयोजनों में, बर्थडे पार्टीज में हम अमूमन जाते हैं तो कोई तोहफा ले जाते हैं या फूलों का बुके देते हैं, फूलों का गुलदस्ता देते हैं। तो हम ये इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ट्री गिफ्ट कार्ड भेंट करें और उस गिफ्ट कार्ड, जैसे ही वो गिफ्ट कार्ड किसी को देते हैं तो उसके बदले में एक पेड़ हम लगाते हैं, उसकी देखरेख करते हैं और जो उसका रेसिपिएंट होता है वो उस QR कोड को स्कैन करके उस पेड़ की प्रगति को देख सकता है ताकि उसका लगाव भी बना रहे, एक पेड़ उसके नाम पर भी रहे शहर में और साथ साथ में उसकी देखरेख की जिम्मेदारी हम कर सकें। कारण ये कि यदि मैंने आपको एक पेड़ भी दे दिया तो हो सकता है कि आपके पास समय की कमी हो, आपके पास स्थान ना हो ताकि उसकी आप देखरेख कर सकें। तो वो जिम्मेदारी हम अपनी संस्था से लेते हैं और आपके नाम पर एक पेड़ होने से आपको आध्यात्मिक रूप से खुशी भी मिलती है और एक मन में सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो अभी तक आपने कितने पेड़ लगा चुके और कितना आगे लक्ष्य है? जी अभी तो हम बहुत ही छोटे लेवल पे, हमने अपनी संस्था के ही बेसिस पे शुरू किया है, तो करीब 1200 पेड़ मैंने लगाए हैं अपनी निजी भूमि पर और मैं सभी को मैं पेड़ गिफ्ट करते रहता हूँ मैं, ताकि लोगों में वो भावना आए। और इस प्रयास में है कि क्या इस चीज़ में यदि मैं प्रशासन से थोड़ा बहुत सहयोग मिल सके, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें चीज़ होती है ज़मीन। मेरे पास भूमि का जो है वो लिमिटेशन है, मैं पेड़ तो और लगा सकता हूँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके या अपनी संस्था के मार्फत, बट लगाने की जो जगह है वो हम कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन का हमें सहयोग मिलेगा और हम और ज़्यादा पेड़ लगा सकेंगे ताकि जनता के सहयोग से, पब्लिक पार्टिसिपेशन से हम अपने शहर को और हरा भरा कर सकें। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपकी जो योजना है उसके माध्यम से हजारों पेड़ इंदौर में लग सकते हैं? मैं तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं जी, क्योंकि जो योजना जिस पे हम काम कर रहे हैं और जो हम प्रपोज कर रहे हैं इसमें शासन की तरफ से एक पैसा भी नहीं लगना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वृक्षारोपण का काम लोगों की सहयोग से, क्योंकि आप सब समझते हैं कि हम बहुत ही गौरवान्वित हैं इंदौर शहर में रह करके, जिसमें शासन प्रशासन के अथक प्रयासों और साथ साथ में जनता की भागीदारी से आज हम दूसरी बार शहर के स्वच्छ शहर में रह रहे हैं। तो निसंदेह ये प्रमाणित तथ्य है कि जनता यदि किसी चीज़ में भागीदारी कर ले तो वो एक बदलाव ला सकते हैं और वो एक सस्टेनेबल एक ऑप्शन रहता है। तो क्या ही मजा आया जबकि लोगों के सहयोग से ये वृक्षारोपण हो, लोगों की अकाउंटेबिलिटी रहे और उनके सहयोग से, उनके मिले जुले प्रयास से अपने शहर को अपन हरा भरा कर सकें। आपकी संस्था जो लोगों तक कैसे अप्रोच करती है, यानी आप कैसे पहुंचते हैं लोगों तक?
अभी तो मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ भी मेरे परिचित लोग हैं, जैसे मैं आपके पास आया तो आपको एक पेड़ गिफ्ट किया, इस तरह की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 1000 पेड़ में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं पहुँचाया जा सकता। बट हाँ, कोशिश ये रहेगी कि यदि हमें शासकीय सहयोग मिलता है तो डेफिनेटली उस चीज़ को बहुत बड़े स्केल पर किया जा सकता है। अच्छा, अभी आप जैसे जो आपको पेड़ गिफ्ट करते हैं जी, तो उनकी तरफ से आप पेड़ लगाते हैं, उनके नाम पर पेड़ लगाते हैं जी, तो वो कितने बड़े रहते हैं? हम शुरुआत ही करीब 5 फीट से ऊपर वाले पेड़ से करते हैं, ताकि उसका जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा महंगा जरूर पेड़ रहता है, बट यदि 5 फीट से ऊपर वाला पेड़ है तो, और स्वस्थ पेड़ है, तो उसको मेंटेन करना भी आसान है, और हमें 95% से ज़्यादा उसका सर्वाइवल रेट मिलता है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम थोड़ा सा बड़ा ही पेड़ लगाएं, उसके रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और काफ़ी हद तक उसका सर्वाइवल रेट बड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक पेड़ लगाना है जी आपकी संस्था के माध्यम से जी, और फिर मैं ये चाहता हूँ कि संरक्षण, जैसे आपने कहा कि हम खुद ही संरक्षण करें, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? अभी हम उसकी बहुत, क्योंकि ये एनजीओ में एक नॉन प्रॉफिट बेसिस पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक फिक्स कॉस्ट पे तो नहीं पहुँच पाए, बट पेड़ की लागत और हर महीने उसका फ़ोटो खींचना या उसके हेल्थ रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए 2 साल तक मेंटेन करने की जो कीमत है, करीब करीब 1000-1200 के आसपास आ रही है। तो ऐसा अनुमान है कि 1000-1100 रुपये में यदि आप हमारी एनजीओ से वो एक कार्ड परचेज करते हैं, या यूँ कहें कि हमारी एनजीओ को उतना डोनेशन देते हैं, तो उसके बदले में हम आपके लिए एक पेड़ लगा करके उसको मेंटेन करते हैं। और चूँकि ये एनजीओ में एक डोनेशन है, तो ये इनकम टैक्स की 80G छूट की पात्रता भी रखता है, तो एक तरह से आपका टैक्स बेनिफिट भी होता है, और आप एक पेड़ खुद के नाम पर लगा सकते हैं, या उस कार्ड को किसी भी अपने परिचित को, मित्र को भेंट के रूप में भी दे सकते हैं। आपने जो भी बात बताई कि आपकी संस्था से कोई कार्ड खरीद के और वो बर्थडे में या शादी में गिफ्ट कर दें जी, तो वो उस तरह की एक नई पहल आपने शुरू की है, यानी बहुत ही सराहनीय पहल है, तो इसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी तो मैंने जैसा बताया कि शुरुआत है, पर रिस्पांस निसंदेह बहुत ही अच्छा है। मेरे जितने परिचित लोग हैं वो तो मुझे बार बार अप्रोच करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके आप हमें 25 कार्ड 50 कार्ड दे दें हमें, और ताकि वो उस पर, क्योंकि आप शहर में देखते हैं कि किसी भी अच्छे बड़े आयोजन में आप जाते हैं तो 600-800 रुपये का एक फ्लावर बुके तो आ ही जाता है, और उस फ्लावर बुके की जो लाइफ है वो 3 घंटा 5 घंटा, कुछ जो और अच्छे होते हैं वो 1-2 दिन की रहती है, और पेड़ों की या फूलों की कटाई भी होती है उसमें। तो क्या ही अच्छा हो कि हम किसी व्यक्ति को ऐसा नायाब तोहफा दें जो बरसों बरस तक उसके साथ रहे और उसकी आध्यात्मिक, उसकी ग्रीन वेल्थ को भी बढ़ाए। तो आपको लगता है कि इस तरह की जो मुहिम आपने जो शुरू की है, ये हिंदुस्तान में कहीं और भी चल रही है या विदेशों में कहीं चल रही है? मैं इसके बारे में कोई दावे तो नहीं कर सकता, बट हाँ ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए टैगिंग के माध्यम से पेड़ों को गिफ्ट करने का शायद ही अपने आप में एक नया प्रयास हो। इसके पहले लोग पौधे जरूर गिफ्ट करते रहे हैं, बट पौधों में ये लिमिटेशन रहती है कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपको मैंने पौधा गिफ्ट किया, उसके बाद उसके देख रेख की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, पर उस पेड़ में टैग लगा करके उसको टेक्नोलॉजी के जरिए उसका लालन पालन भरण पोषण हम करें, और आप दूर रह करके, चाहे इस शहर में हो चाहे दूर देश में हो, आप उसकी प्रगति देख सकें, शायद हो सकता है कि ये अपने आप में एक अनूठा पहला प्रयास हो। बिल्कुल सही बात, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से हरियाली खत्म हो रही है जी, तो आपकी संस्था जो पहल कर रही है उसके माध्यम से अगर इंदौर में इस तरह का प्रयास और भी तेजी से आगे बढ़ता है जी, तो हरियाली को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि वृक्षारोपण और जो पर्यावरण की समस्या, ये किसी शहर या प्रदेश या किसी देश की नहीं है, ये अपने आप में ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो हम तो एक बहुत अनूठा सपना लेकर के इस चीज़ को आगे बढ़े हैं कि यदि हमारे छोटे से प्रयास से, यदि सब लोग साथ दे करके, हम ये इस मुकाम पर आ पाएँ कि हर व्यक्ति का अपने शहर में एक पेड़ हो, तो आप मान के चलिए कि हम वापस से अपने शहर को शबे मालवा का वो रूप दे पाएंगे जिसके नाम सर वो बरसों बरस तक मशहूर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक ये बात ये भी आपसे जानना चाहता था कि आप आईटी में के एक्सपर्ट हैं और आईटी कंपनी रन भी करते हैं जी, तो ये जो सामाजिक सेवा या जो पर्यावरण के लिए जो आपके दिमाग में विचार आया है, उसकी क्या वजह रही? ये अकेला प्रयास नहीं है जी, मतलब बेसिकली मेरी पिछले 10 बरस से मैं काम कर रहा हूँ, और कोशिश यही रहती कि टेक्नोलॉजी जैसे अमूमन हर फील्ड में अपना एक कोई नया कर्तव्य दिखाती है, नया एक कुछ चमत्कार करती है, तो मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी ऐसे काम में जिससे लोगों के जीवन को हम अच्छे ढंग से इम्पैक्ट कर सकें, इम्पैक्टिंग पीपल्स लाइफ इन ए पॉजिटिव मैनर, वहाँ पर तकनीक को हम कैसे इस्तेमाल कर सकें। तो ग्रीन जिन के पहले भी कई सारे ऐसे प्रयास हम लोग कर चुके हैं,
और चूंकि पर्यावरण भी अपने आप में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, तो ये कोशिश थी कि इस तरह से भी हम अपना एक कर्तव्य निभाएं अपने शहर अपने समाज के प्रति। अभी हमने राकेश जैन साहब से इंदौर शहर की हरियाली के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ा एक अनूठा प्रयास यह है कि आप पेड़ को गिफ्ट कर सकते हैं, पेड़ के कार्ड लेकर आप किसी भी शादी में बर्थडे में दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें एक ये जुड़ी हुई है कि पेड़ों का संरक्षण जो राकेश जैन साहब की संस्था है वो करती है, वो उसकी लगातार सूचना भी देती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि पेड़ का विस्तार कहाँ तक हुआ है, पेड़ कितना बढ़ रहा है, और व्यक्ति उस तरह से पेड़ से अपना लगाव जुड़ा हुआ भी रख सकता है। और ये जो एक अनूठी पहल हुई है इंदौर शहर में, तो इंदौर शहर ने निश्चित रूप से पूरे भारत को इस पहल के माध्यम से एक नई दिशा दिखाई है, और इसकी हमने अभी राकेश जैन साहब से जानकारी प्राप्त की। राकेश जैन साहब हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए धन्यवाद। और घमासान.com पर इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।